स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल तन्वी स्टफ पे। दोस्तों जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपके अच्छे पैसे बनवाऊंगा ऑनलाइन प्लेइंग 11 से जो ड्रीम 11 में होते हैं, और वो सारे तरीके मैं पूरे कर रहा हूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका पैसा बने, आप अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट का यूज़ करें पैसा बनाने के लिए। तो वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आपका पैसा बन भी रहा है। आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेज जो मुझे मिल रहे हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आप पैसा देते रहे, जो मेरा मोटिव था वो पूरा हो रहा है। तो आज भी मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ में आया हूँ जो जो कि आपको इस वीडियो में पैसा बनाना तो नहीं सिखाएगा, लेकिन आगे के वीडियोज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये मैं यहाँ पर एक बेस तैयार कर रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसकी वजह से आप बहुत पैसा बनाने वाले हैं, बहुत पैसा। अभी तक ड्रीम इलेवन जो भी आपने किया वो कुछ भी नहीं था, जो भी मैंने तरीके बताए कुछ भी नहीं था। ये जो तरीका मैं ला रहा हूँ ये सबका बाप है। मीन्स यहाँ पे जो पैसा आपको मिलने वाला है अनलिमिटेड है। आप अपनी मेहनत, अपने दिमाग से इतना पैसा बना सकते हैं कि आपका घर भर जाएगा। बस आपको लगाना है दिमाग और सीखने हैं जो मैं तरीके बता रहा हूँ। आप सीखिए इस तरीके को जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ पोकर रूल्स की। दोस्तों प्लेइंग कार्ड्स के बारे में तो हर कोई जानता होगा, मुझे पता है प्लेइंग कार्ड्स के बारे में तो हर कोई जानता होगा। हर एक बंदा शायद खेलता भी, एक आध बंदे होंगे जो नहीं खेलते होंगे इंटरटेनमेंट के लिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि लोग जाके मार्केट में बैठ के खेलें किसी भी तरीके, मैं लीगल तरीके की बात कर रहा हूँ कि आप लीगल तरीके से कैसे पत्ते खेल के पैसे बना सकते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए तो खेलते हैं, और जो इंटरटेनमेंट के लिए अभी भी खेलना चाहते हैं वो उनको मैं एक नया गेम दे रहा हूँ। वो इस गेम जितने भी आप गेम अभी तक पत्तों में खेलते होंगे, कोई भी हो, कैसा भी गेम हो आपका, वो आप अभी तक इंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे, लेकिन जो मैं ये गेम दे रहा हूँ ये गेम आपके इंटरटेनमेंट को भी बढ़ाने वाला है। अभी तक अगर आपने नहीं खेला है इस गेम को तो सीखिए इस गेम को, क्योंकि ये पत्तों का, मैं कह सकता हूँ पत्तों में बादशाह है ये। एक तरीके से ये जितने भी आपके पत्तों में गेम होते हैं उन सबका ये बादशाह है। सबसे ऊपर इसे हमेशा रखा जाता है। अगर आप कहीं सर्च भी करेंगे कि पत्तों में सबसे अच्छा गेम कौन सा है तो आपको पोकर का ही नाम मिलेगा। जिसे नहीं आता है खेलना, जो मेरे अभी तक सब्सक्राइबर हैं जिन्हें नहीं आता है, वो सीखे इस गेम को, अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलें। और जो पैसा बनाने के लिए सीखना चाहते हैं, जो पैसा बनाने के लिए करना चाहते हैं, वो तो इस वीडियो को ज़रूरी देखें, क्योंकि उनको इस वीडियो से बहुत कुछ मिलने वाला है। ये जो मैं अभी वीडियो बता रहा हूँ इसमें मैं आपको रूल्स बताऊँगा, तरीके बताऊँगा कैसे खेलते हैं पोकर, क्या होता है पोकर, सारी चीज़ें बताऊँगा। और उसके बाद में कल या परसों दूसरा वीडियो मेरा दोस्तों आपके लिए आएगा, और वो दूसरा जो वीडियो होगा वो होगा पोकर ऐप्स, पोकर साइट्स के बारे में, जहां से आप पैसा एक्चुअल में कमाने वाले हैं और वो रियल मनी होगा। वहां पे भी कुछ तरीके होते हैं, वहां पे आप फ्री जाके केवल एंट्री साइन अप करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसमें आप पैसा कमाएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है, लेकिन अगर आप कैश डाल के पैसा कमाएंगे, मीन्स अपना पैसा लगा के फिर खेलेंगे उस गेम को, और अगर आपने मेरा गेम सीख लिया तो आप उसमें बिल्कुल चैंपियन बनने वाले हैं। आप जो वहाँ से पैसा निकालने वाले हैं वो आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा कितना पैसा आपको मिल सकता है। जो जानते हैं पोकर के बारे में और जो खेल चुके होंगे ऑनलाइन पोकर गेम्स, जो ऐप्स होते हैं पोकर, पोकर साइट्स जहाँ पर खेल चुके हैं, उन्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा कि क्या होता है पोकर, कैसे जीतते हैं पोकर से। क्योंकि पोकर इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में फेमस है। आप कहीं भी जाइए पोकर के आपको ऐप्स या पोकर की साइट्स तो मिल ही जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको अगले अपने वीडियो में बताऊंगा इंडियन पोकर ऐप्स के बारे में, इंडियन पोकर साइट्स के बारे में, और वर्ल्ड पोकर ऐप और वर्ल्ड पोकर साइट के बारे में भी। क्योंकि अगर आप खेलना चाहें इंटरनेशनली, आप डॉलर्स, यूरो, पाउंड्स इनमें खेलना चाहें तो आप इनमें भी खेल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको ऐप बताऊँगा। और अगर आप इंडियन करेंसी रुपीज़ में खेलना चाहें तो उसके लिए तो मैं आप बताऊँगा ही बताऊँगा। तो पहले तो सबसे पहले आपको सीखने पड़ेंगे पोकर के रूल्स। सबसे बड़ी बात, पोकर होता क्या है दोस्तों? पोकर जो होता है, पोकर में कितने भी प्लेयर खेल सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड पोकर है जिसमें कि जो ऑनलाइन पोकर चलते हैं, जो लीगल पोकर्स हैं, जो अपने जिन्होंने अपने ऐप बना के रजिस्टर करा रखे हैं, लीगलिटी का सर्टिफिकेट ले रखा है, जो इंटरनेशनल या नेशनल पोकर्स हैं वो लोग जो टेबल्स अलाउ करते हैं उन्हें हम कहते हैं होल्डम पोकर। जी हाँ, होल्डम पोकर या होल्डम टेक्सास कहते हैं, और होल्डम टेक्सास में जो प्लेयर्स की टेबल होती है वो, या फिर टू प्लेयर्स को होती है जिसमें हम 1-1 कहते हैं, दो प्लेयर्स खेलते हैं, या फिर चार प्लेयर्स की टेबल होती है, या फिर जो फेमस टेबल है वो 6 प्लेयर्स की है, और जो दूसरी फेमस टेबल है 9 प्लेयर्स की है। 6 प्लेयर्स की टेबल बहुत फेमस है,
वर्ल्ड वाइड चलती है। 6 प्लेयर्स की टेबल का मतलब मेरा क्या है, 6 प्लेयर्स की टेबल का मेरा मतलब है कि 6 प्लेयर्स होते हैं उसमें, 6 प्लेयर को दो दो पत्ते स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, स्टार्टिंग में मिलते हैं उन्हें दो पत्ते, समझिएगा मेरे पूरी बात को, स्टार्टिंग में मिलते हैं। और इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से ताकि आप कहीं स्किप ना कर जाए, कोई रूल ना मिस कर जाए, क्योंकि अगर एक भी रूल आपने मिस किया तो हो सकता है कि आप बहुत कुछ मिस कर दें, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो पत्ते आपके होते हैं कौन सा पत्ता किसके से बड़ा है किससे छोटा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए स्किप मत करिएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो पे वो सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को और क्लिक कर लें बेल बटन पे, क्योंकि जो आगे के वीडियोज़ आने वाले हैं वो आपको मालामाल करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था स्टार्टिंग में मैं 6 टेबल से एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। 6 टेबल मतलब 6 बंदे बैठे होंगे, सबको सबसे पहले स्टार्टिंग में दो दो पत्ते दिए जाएंगे, मीन्स उनको दो दो पत्ते उनके हाथ में होंगे, वो उन पत्तों को देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है 5 पत्तों का, मीन्स 5 पत्तों से आपको जीत हार तय होती है कि 5 पत्ते आपके बड़े हैं सबसे, छोटे हैं कैसे भी हैं, वो 5 पत्तों से हार जीत तय होती है। लेकिन आपके हाथ में तो 2 ही पत्ते, तो सोचेंगे 3 पत्ते और कहाँ से आएंगे। 3 पत्ते दोस्तों आएंगे स्टार्टिंग में, जो सामने जो टेबल होती है, जैसे ही एक राउंड पूरा हो जाएगा पूरे सभी 6 प्लेयर्स का, और सबके दो लोगों के सबके वोट पड़ते हैं, वोट जब वो और जिसमें वोट डाले जाते हैं उसे हम पॉट कहते हैं, वहाँ पे जब आप वोट डाल देंगे, वोट डालने के बाद में जब एक राउंड पूरा हो जाएगा और अगर कोई वहाँ पे पत्ते रेज रेज नहीं करता, वो मैं सारी चीज़ें आपको जब लाइव डेमो दिखाऊंगा अगले वीडियो में तब मैं बताऊंगा ऐप के थ्रू जहाँ से आप पैसा कमाने वाले हैं कैसे रेज करते हैं कैसे बेट करते हैं। अभी मैं सिंपली आपको रूल बता रहा हूँ, रूल्स में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको आगे की भी बता रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो जैसे कि पूरी पूरा राउंड ख़त्म हो गया, राउंड ख़त्म होने के बाद में टेबल पे 3 पत्ते खुल जाएंगे ऑटोमेटिक। जी हाँ, 3 पत्ते खुल जाएंगे ऑटोमेटिक, आपके हाथ में 2 पत्ते हैं, सामने 3 पत्ते खुल गए, 5 पत्तों का कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन यहीं तक गेम सीमित नहीं है, 5 पत्तों का कॉम्बिनेशन अगर आपका अभी बेस्ट बन रहा है तो आप गेम में रुकिए, चाल को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन 3 पत्तों में आपके 2 बेस्ट हो रहे हैं, 2 आपके हाथ में बेस्ट हैं और 1 अगर आपको लगता है दिमाग में 1 शायद पत्ता और खुल जाएगा, तो इंतज़ार करिए, क्योंकि टेबल पे खुलने हैं टोटल 5 पत्ते। अब और राउंड बढ़ेगा, और राउंड बढ़ेगा, राउंड बढ़ने के बाद में फिर एक और पत्ता खुलेगा। मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में एक डेमो भी दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कैसे हो रहा है, तो आप इंतज़ार करिए उस चीज़ का। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो एक और पत्ता खुलेगा, सामने हो गए 4 पत्ते। अब अगर आपको लग रहा है आपका कॉम्बिनेशन बेस्ट है, मीन्स आप नंबर 1 पे हैं, आपको कोई हरा ही नहीं सकता, मैं नंबर 1। इसमें जो टोटल सिक्वेंस होते हैं, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, वो 10 होते हैं, मीन्स 10वां सबसे छोटा, 1 सबसे बड़ा। एक आपके सामने खुला भी है स्क्रीन पे, दिख रहा होगा आपको एक, मैं इसके बारे में बताऊंगा ये है क्या, एक एक सबसे बड़ा, 10वां सबसे छोटा, मैं बीच के भी आपको दिखाऊंगा क्या होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है 4 पत्तों में ही आपका सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन हो गया है और आपसे कोई नहीं जीत सकता, तो आप चाल बढ़ा दीजिए, आप अपने दिमाग से चाल बढ़ाइए ताकि आपके आगे वाला प्लेयर भी उस चाल को चले, क्योंकि उसके हाथ में भी हो सकता कुछ हो, बढ़ाइए ताकि आप उसके पैसे अपने पास ला सकें। अगला राउंड होने दीजिए, थोड़ा उसको डाउट में रखिए कि आपके पास शायद अच्छे पत्ते नहीं हैं। फिर जब 5वां पत्ता खुल जाए और उसका मान लीजिए हो सकता है अच्छा बन गया हो, लेकिन आपको पहले से ही पता है आपका बेस्ट है, डाल दीजिए जितने पैसे आपको डालने हैं, और उसके बाद में वो बंदा भी चलेगा, क्योंकि उसके भी वो सोचेगा कि उसके पास अच्छे पत्ते हैं, और उसके बाद में होगा क्या, सारे पैसे आपके। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 1-2 रुपये की चाल नहीं होती, यहाँ पे हज़ारों की चाल होती है, बंदे 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपये एक एक चाल में लेके जाते हैं। मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन वो अगले वीडियो में होगा, इस वीडियो में एक सिंपल डेमो दिखाऊंगा मैं आपको और पोकर रूल्स के बताऊंगा। चलिए बात करते हैं पोकर रूल्स की। अभी तक भी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रूल्स तो हैं ही सब कुछ, लेकिन इसके बाद जो ऐप्स, जो गेम्स, जो इंटरनेशनल ऐप्स हैं वो सब भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो रूल्स की बात करूँ, नंबर 1 मतलब सबसे बड़ा, जिसे हम कहते हैं रॉयल फ्लश। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपका 10 से मिस दहला गुल्ला बेगम बादशाह इक्का, ये सारा सीक्वेंस आपके दो हाथ के पत्ते और सामने टेबल पे खुले हुए 5 में से 3 पत्तों को जोड़ के अगर आपका सीक्वेंस हो रहा और सेम कलर के हैं, वो चाहे तो हुकुम के हों, ईंट के हों, पान के हों या चिड़ी के हों, मिस कोई भी इनमें से हों, और अगर आपको लगता है कि आपका सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़ा है, इसको कोई नहीं हरा सकता पोकर गेम में। इसको लेके आप कितना भी पैसा लगा सकते हैं, आप नहीं हारने वाले, आप जीतेंगे ही जीतेंगे, कि हो सकता है कि सामने वाले के पास में
सत्ता अट्ठा नहला दहला गुल्ला हो और उसका भी सेम सिक्वेंस हो, कलर हो, तो वो तो सोचेगा कि मेरा भी रॉयल फ्लश बन रहा है। लेकिन ये जो रॉयल फ्लश है, ये सबसे बड़ा रॉयल फ्लश है, इसे कोई नहीं हरा सकता। तो ये हो गया नंबर एक। अब इससे छोटा जो आता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट फ्लश, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। जैसे 6, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें भी कलर हो, सिक्वेंस हो, तो ये हो गया स्ट्रेट फ्लश। इसको भी कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हरा सकता है रॉयल फ्लश, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, मैं इससे छोटा है, इससे छोटा है फोर ऑफ अ काइंड। फोर ऑफ अ काइंड में क्या मतलब हुआ, आपके हाथ में दो बेगी हैं, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है, दो बेगी हैं और सामने जो पांच पत्ते, तीन पत्ते खुले हुए मान लिया, उसमें एक बेगी खुल गई, आपको लगा तीन बेगी हो गई, तब भी आपका बड़ा है। तीन बेगी भी यहाँ पे हम बड़ी ही कहते हैं, तो आपको लगा तीन बेगी हो गई। उसके बाद में बचे हुए दो पत्तों में दो में से एक बेगी खुल गई, चार बेगियाँ हो गई। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पे जो दो और एक होता है, ये बहुत रेयर आता है। जो भी पोकर ऐप, जो भी पोकर गेम्स पड़े हुए हैं, उसमें ये रेयरेस्ट होता है। मीन्स आप मान लीजिए लाख में, लाख चालों में कहीं एक बार ये पत्ता ऐसा फंसता है। तो अगर आपके पास में तीसरा वाला फंस गया, जैसे कि चार बेगी, ये भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा जनरली फंस जाता है, आ जाते हैं लोग पास, अगर ये आ गया तो आप इसको लेके भी बहुत सारा लगा सकते हैं। आप डरिएगा नहीं कि दूसरा पहला किसी के पास हुआ तो आप हार जाएंगे, नहीं होगा। जब आपके पास ये होगा तो जनरली जितना मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, क्योंकि मैंने पोकर बहुत खेला हुआ है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये, इस अगर आपके पास ये आया हुआ है तो मैं श्योर हूँ दूसरा और पहला पत्ता किसी और के पास में नहीं होगा। लेकिन दूसरा, और जब आपके पास दूसरा हो तब एक चांस हो सकता है कि पहला किसी और के पास में हो, तब उसमें थोड़ा रिस्क लेके खेलिएगा, लेकिन बचिएगा भी। अब बात करते हैं चौथे की। चौथे में होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं फुल हाउस। फुल हाउस का मतलब तीन पत्ते एक तरीके के, दो पत्ते एक तरीके के। मतलब क्या हुआ, दो गुल्ले आपके हाथ में थे, सामने एक गुल्ला खुल गया और दो बासे खुल गए, बस मार दीजिए जितना मारना है आपको। अगर किसी के हाथ में, बंदे के हाथ में कुछ भी हो, उसके पास में एक बादशाह हो सोच ले वो, और सामने दो दुक्की खुल जाए, तब भी आपका ही बड़ा होगा, क्योंकि आपके पास तीन गुल्ले हैं, तो आप जीतेंगे। ठीक है, तो इसको इसको कहते हैं चौथे पे, जिसे हम कहते हैं फुल हाउस। पांचवा जो होता है, पांचवे में होता है जिसे हम कहते हैं फ्लश। फ्लश का मतलब सारे एक कलर के, सारे एक कलर के, और इसमें भी हार जीत का होता है। इसमें कैसे हार जीत का होता है, सारे एक कलर के, मान लिया आपके पास दुक्की पंजा अट्ठा नहला था या दहला था, ये पांच सारे एक कलर के हो गए। लेकिन अगर किसी के पास में गुलाम बेगम पंजा इक्का बादशाह है और एक कलर के हैं, तो गुलाम बेगम पंजा इक्का बादशाह वाला बंदा जीतेगा, दूसरा वाला हारेगा, क्योंकि उसके पत्ते तो फ्लश वाले हैं लेकिन छोटे हैं थोड़े से, तो बड़ा वाला जीत जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। लेकिन अगर आपके हाथ में फ्लश आ रहा है तो आप मार दीजिए, क्योंकि जनरली होता क्या है, जब पत्ते सामने खुलते हैं और किसी पास में फ्लश है, तो जो कंप्यूटर होता है, जो गेम आपको पत्ते देता है, वो जनरली ऐसा नहीं करता कि एक फ्लश वाले को दूसरे से हरा दे, तो फ्लश ऊपर हो जाएगा। अब आती है स्ट्रेट की बात। स्ट्रेट का क्या मतलब हुआ, स्ट्रेट में मतलब एक सिक्वेंस में, कलर एक नहीं है, कलर डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एक सिक्वेंस में, जैसे छक्का सत्ता अट्ठा नहला, ये सिक्वेंस में। और इसके ऊपर भी बात करें तो दहला गुलाम बेगम बादशाह इक्का, क्योंकि सेम कलर के नहीं है, सिक्वेंस सेम है, तो वो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रेट। ये जो होता है थ्री ऑफ काइंड, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था, जिसके पास में तीन पत्ते मालिया करके खोल, तो वो भी बड़ा हो जाएगा। जैसे आपके हाथ में दो दहले आए हुए हैं और सामने एक दहला और खुल गया, तब भी आप अच्छा से मार सकते हैं, क्योंकि आपके थ्री ऑफ अ काइंड हो जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे तीन हारने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो कि आठवां नौवां दसवां नंबर है। आप उनसे तो ऊपर हैं ही, लेकिन आपसे ऊपर छह लोग हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें बड़ी चाल करते हुए। क्योंकि इसमें जब आप ऐसा मत करिएगा कि आपने 100 रुपये या 2,000 3,000 मार दिए और आपको लगा मेरे पास तीन दहले हैं, मैं तो अब मारता ही मारता हूँ, क्योंकि मैं जीतूंगा जीतूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस गेम में होता क्या है, आपके पास तीन दहले हैं तो हो सकता है सामने वाले का स्ट्रेट बना दिया हो या उसका फ्लश बना दिया हो, तो आपको वो सारे पत्ते ध्यान में लेके खेलने हैं। मतलब क्या है इसका, ध्यान में लेके खोलने हैं। सोचिए आप सामने तीन पान खुले हुए हैं, तीन पान में एक दहला है, आपके हाथ में दो दहले हैं तो आपको लग रहा है तीन दहले, लेकिन हो क्या सकता है, जो सामने वाला बैठा हुआ है उसके पास में दो पान हो, दो पान होंगे तो तीन पान खुले होंगे तो उसके हो जाएंगे पांच पान, उसका हो जाएगा फ्लश और आप हार जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सामने के पत्ते जो खुलते हैं टेबल पे उनको देख के बहुत ध्यान से खेलिएगा। उसके बाद में जो बात आती है आठवें नंबर की, आठवें में दोस्तों क्या है, आठवें में मतलब दो दो पेयर। जैसे कि आपके हाथ में समझिए कि चौ आपके हाथ में सत्ता और गुल्ला था और सामने भी एक सत्ता और गुल्ला खुल गया, तो आपके बन गए दो पेयर। तो ये जो होते हैं ये नवें दसवें नंबर से बड़े होते हैं। अब नवा दसवां नंबर क्या होता है, नवा नंबर होता है कि एक पेयर।
एक ही पेयर, मतलब आपके हाथ में बादशाह था, एक बादशाह सामने खुल गया, आपका एक पेयर बन गया, लेकिन सामने वाले के पास में दो पेयर है तो आप हार जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें बड़े ध्यान में रख के खेलनी पड़ती हैं, आपके हाथ में क्या है, सामने टेबल पे क्या खुला हुआ है, उससे आपको दिमाग में कॉम्बिनेशन सोचना है उतनी ही देर में जितनी देर में चाल हो रही है, क्योंकि टाइम भी यहाँ पे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं बैठ के बहुत देर तक सोच रहे हैं कि हाँ मैं चलूँगा चलूँगा, यहाँ पे 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड का टाइम होता है, आप किस टेबल पर बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग। किस टेबल से क्या मेरा मतलब है, छोटी टेबल, बड़ी टेबल, मीडियम टेबल, मतलब 30 रुपये से टेबल स्टार्ट होती है, 50 रुपये से स्टार्ट होती है, 100 रुपये से स्टार्ट होती है, 200 रुपये से स्टार्ट होती है, 500 से स्टार्ट होती है, 1000 से स्टार्ट होती है, 2000 से स्टार्ट होती है। इतनी टेबल सोचिए रन हो रही है, मतलब एक एक चाल में 2000 रुपये लोग डालते हैं। तो अगर आप 2000 वाली में बैठे हुए हैं तब आपको ऐसे नहीं फेंक देना है कि आपके पास में दो बादशाह आ गए और आप पैसे मार रहे हैं, दो का चार मार रहे हैं, छः मार रहे हैं, इस तरीके से नहीं मान रहा है, उसका आपको ध्यान देना है। और जो सबसे छोटा होता है वो होता है, मान लिया आपके हाथ में एक के आ गया और सामने आपको लग रहा है कि किसी पास में ना कोई पेयर होगा ना कुछ होगा, मीन्स जो मैंने 9 बताए हुए उनमें से कोई भी नहीं होगा और आपको लग रहा है कि मेरे सबसे बड़ा होगा, तो इसमें, लेकिन ये बहुत रेयर होता है कि आपके हाथ में सबसे, आपको लगे कि मेरे हाथ में बड़ा है और किसी के पास में कुछ नहीं होगा, किसी के हाथ में एटलीस्ट एक पेयर या दो पेयर तो होते ही होते हैं, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान में रख के खेलिएगा। तो ये तो हो गई पोकर की बात, आप सीख गए होंगे अब तक पोकर, नहीं सीखे तो दोबारा मेरे वीडियो को देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, 1 2 3 4 जितने भी मैंने स्टेप्स आपको बताए हुए हैं उनको देखिए, आपको बार बार नहीं समझ में आ रहे हैं कहीं किताब पे नोट कर लीजिए और खेलिए पोकर को, अपने घर में खेलिए, अपनी फैमिली के साथ भी खेल सकते हैं, ये फैमिली गेम भी इसे हम कहते हैं, बहुत अच्छा गेम है, आप इंटरटेनमेंट के लिए खेलिए, अपने दोस्तों के साथ में खेलिए, फैमिली के साथ में खेलिए, किसी के साथ में खेलिए, क्योंकि पत्ते खेलना कोई बुरी बात नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि पत्ते बड़े बड़े लोग खेलते हैं, अच्छे अच्छे लोग खेलते हैं, पढ़े लिखे लोग सभी खेलते हैं, मैं खुद खेलता हूँ, तो पत्ते खेल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, तो पत्ते खेलना कोई बुरी बात नहीं है, आप खेल सकते हैं पत्ते, लेकिन अगर आप पैसे लगा के खेलना चाहते हैं तो पहले प्रैक्टिस करिए, अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए, क्योंकि इसमें पैसा ऐसे जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे ठीक है मैं थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दूँ, थोड़ा पैसा खेल के मैं सीख जाऊँ, उसके बाद मैं जीतना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप बहुत, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप बहुत पैसा गंवा चुके होंगे, तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, कि मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अपना अच्छा खासा, क्योंकि मैंने जब ये पोकर स्टार्ट किया था रियल कैश में खेलने के लिए, तो उससे पहले कम से कम मैंने 1 2 महीने सीखा था, 1 2 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लोग रियल में टेबल पे खेलते हैं वहाँ पे वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको ऐसे फंसाएंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे और अपना सारा पैसा एक बार में देके चले जाएंगे, आप 20,000 लाएँ, 50,000 लाएँ, 1 लाख लाएँ, सारा पैसा एक बार में देके जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं, 1 लाख तक आराम से पहुँच रहा हूँ, देख रहे हैं आप, क्योंकि ये गेम होता ही ऐसा है, आप एक रात में यहाँ पे 2 3 लाख रुपये भी बना सकते हैं और 2 3 लाख रुपये हार भी सकते हैं। तो आपको रियल गेम में आने से पहले सीखना है इस गेम को अच्छे से, आप समझिए इस गेम को, मेरे वीडियो को अगर आपको नहीं समझा तो बार बार देखिए क्या रूल्स हैं, कैसे रूल्स हैं, समझिए पहले, उसके बाद में रियल टेबल पर उतरिए। मैं आपको एक रियल टेबल दिखा देता हूँ जो गेम की होती है, ये एक रियल टेबल है, देखिए यहाँ पे 9 बंदे बैठे हुए हैं और ये रियल गेम है, 2 टेबल खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मेरा भी एक पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे रियल गेम में देखिए 2 2 हज़ार की चाल हो रही है, 2 हज़ार के 2 हज़ार के, ये बंदा पहले जो वोट पड़ा था 100 रुपये का, तो इसे भी अब 2 हज़ार की चाल करनी पड़ेगी, तो ये एक रियल टेबल है जो मैं जस्ट आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ, इसका मैं आपको डेमो भी बाद में दिखाऊंगा, अगले वीडियो में सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप रियल टेबल में कैसे आएंगे, अगर आप पोकर एक्सपर्ट पहले से ही हैं तो कौन से रियल टेबल गेम हैं जिसमें आप खेलेंगे आके, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप उससे पहले सीख लीजिए पोकर, देख लीजिए एक बार, सीख लीजिए पोकर, उसके बाद में खेलिए, ठीक है दोस्तों, सीखिए पहले इसको, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ आप उससे खेल सकें, देखते रहे मेरे वीडियोस को और ज़रूर लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि मुझे पता है इससे आप बहुत पैसा जीतने वाले हैं, थैंक यू।